ने भारत समाचार के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने देवरिया में हुई घटना को लेकर बोलते हुए कहा कि महिला आयोग घटना की जांच को लेकर कमेटी बनाएगी और आयोग के सदस्य देवरिया जाकर पूरी घटना की जांच भी करेंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज ही आपने पदभार ग्रहण किया है विमला जी, और जिस तरह से देवरिया का मामला सामने आया है उसमें कोई कार्रवाई कर रही, किसी तरह कोई आपने संज्ञान लिया है? हमने संज्ञान लिया है, अब तो नौराम सुबह थे तो हमने वहाँ अपना इंटरव्यू भी दिया है, और संज्ञान तो हमारे योगी जी भी बहुत ले रहे हैं क्योंकि घटना बड़ी दुखद है और बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि अपने लोग ही जो वहाँ काम देखते होंगे, जो वहाँ अंदर अंदर बाहर जाते होंगे उन्हीं करतूत है, कोई नया आदमी वहाँ नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर पूरा अभी जाँच का विषय है, जाँच चल रही है, जल्दी 2-3 दिन में ही ये सब सामने आ जाएगा कौन है इसमें, और जो होगा उसको चाहे कितने रसूख वाला हो उसको बख्शा नहीं जाए, कड़ी कड़ी सजा मिलेगी। अभी देखा आपने DM को ट्रांसफ़र कर दिया, PDO को सस्पेंड कर दिया, ऐसे बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं और 12 घंटे के अंदर बहुत सख्त एक्शन ले लिया गया है। क्या कोई कमेटी बनाकर आप वहाँ भेजेंगी, देवरिया जाएगी? देखते हैं अभी क्या करते हैं, अभी बातचीत करेंगे, जैसा सबकी राय पड़ेगी वैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर किसी न किसी को भेजेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम, जिनका कहना है कि देवरिया की जो घटना है वो बहुत गंभीर है और उस मामले को राज्य महिला आयोग भी गंभीरता से लेगा और उसके लिए अगर ज़रूरत होगी तो टीम गठित करेगा और देवरिया राज्य महिला आयोग की टीम भी भेजी जाएगी। फरमान अब्बास, मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। और देवरिया कांड लगातार